नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, आजकल जो है मौसम में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो चुका है। जहाँ जहाँ देखेंगे आप, पूरी जगह धुंध से भरी पड़ी हुई है। ऐसे समय में जो है हमने आसपास ऐसे एयर प्यूरिफाइंग प्लांट को लगाना बहुत ज़रूरी हो गया। जिसके पास भी थोड़ी बहुत जगह है तो कुछ ना कुछ वो प्लांट ऐसे ज़रूर लगाएं जो आपके घर की हवा को नेचुरल रूप से शुद्ध करते हैं, जिससे कि आपको घर में एयर प्यूरिफायर न लगाने पड़े। अब कूलर पंखे तो हम लगाते थे, साथ साथ जो है हमें एयर प्यूरिफायर की आवश्यकता बहुत पड़ने लगी। लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लग गई है, जिसमें कि जो हमारे समाज के वरिष्ठ लोग हैं उनको तो बहुत ही सर्दियों में दिक्कत होती है। पर अगर हम अपने घर में कुछ ऐसे नेचुरल पौधे लगा लें जो कि नेचुरल रूप से अपने घर में जो हमारे हवा को शुद्ध रखेंगे, और तो उससे बहुत कुछ राहत मिलती है दोस्तों। बस यह है कि उनकी मात्रा आपको ज़्यादा लगानी पड़ेगी। जिसके घर में जैसी जगह है, छोटा बर्तन में, बड़े उसमें, बड़े पॉट में, जिस हिसाब से आपके पास स्पेस है उस हिसाब से उन प्लांट की संख्या को हम लगा सकते हैं। तो मैं आपको बहुत सारे ऐसे पौधों के नाम बताऊंगी कि जो नेचुरल रूप से हमारे घर की हवा को शुद्ध करने में हमारी बहुत सहयोग करते हैं। उनको लगाने से हमारे घर की सुंदरता तो बढ़ती है, पर उसके अलावा जो है हमारे घर में आसपास जो है पॉजिटिव बढ़ती है। घर का जो है एक माहौल खुशनुमा रहता है और लोगों को प्रॉब्लम नहीं होंगी, लोग बीमार नहीं होंगे। तो इससे जो है कि हम अपने आप ही हमारी जो है पॉजिटिव बढ़ेगी और जो है खुशहाली आएगी। तो मैं आपको बहुत सारे प्लांट्स के नाम बताऊंगी दोस्तों। इनमें पहला पौधा है, देखिए, मनी प्लांट। मनी प्लांट को सबसे सरल पौधा होता है, सबसे आसान पौधा होता है। ऐसा कोई नहीं होगा कि जो मनी प्लांट को नहीं जानता होगा मेरी जानकारी में। तो इसको जो है सभी जानते हैं कि इसको पानी में भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास जैसी जगह है आप इसको लगा सकते हैं। आपके यहाँ धूप नहीं आती तब भी लगा सकते हैं, आपके यहाँ बहुत धूप आती है तो ऐसी जगह पर रख सकते हैं जहां पर इसके ऊपर थोड़ी छन की धूप आ जाए। यानी कि बहुत ज्यादा जब हार्ड सनलाइट आती है, सर्दियों की धूप से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हार्ड सनलाइट से इसके पत्तों के जो एजेस होते हैं ये जलने लग जाते हैं। यही इसकी केयर होती है, बस कटिंग तोड़िए और पानी में लगा दीजिए। कुछ पत्ते तोड़ के जो है इनमें, क्योंकि एरियल रूट्स बहुत होती है, उनसे भी ये प्लांट लग जाता है। सबसे आसान प्लांट मैं कहूंगी कि जो है मनी प्लांट है, जो कि नेचुरल रूप से अपने घर की हवा को शुद्ध रखने के लिए और घर में पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए। इसके अलावा दोस्तों ऐसी चीजें लगाने से जो है कि घर में एक खुशहाली का हरा भरा माहौल मिलता है, बहुत सुंदर लगता है। इसलिए मनी प्लांट सबसे सरल पौधा। दोस्तों, अब जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े पॉट हों। ये देखिए, ये बोतल है, बोतलों में भी ये देखिए कितना सुंदर ये स्पाइडर प्लांट कहलाता है। इसकी बहुत सारी वैरायटी आती है, इतना डिवाइड होता है कि इसको आप संभाले नहीं संभलता। बाद में जब इसके यहाँ बहुत फैलता है और बरसात इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, बरसात में तेज़ी से बढ़ते हैं और खूब फैलते हैं। ये घर की हवा को शुद्ध करने वाला एक ऐसा पौधा है जिसको आप पानी में जैसे मनी प्लांट को लगा सकते हैं, वैसे इसको भी लगा सकते हैं। इसको छोटे बड़े हैंगिंग बास्केट किसी में भी लग सकता है। तो एक सुंदर पौधा तक बढ़ाने के साथ साथ हमारे घर की हवा शुद्ध करने के लिए इनको लगाने से हम कम बीमार पड़ते हैं ऐसे पौधों को लगाने से। दोस्तों, इसके बाद है स्नेक प्लांट। इसमें आज करीब जो है एक हर सामान्य घर में भी 6 से 7 वैरायटी आपको इसकी देखने को मिल जाएंगी। ये आपको मैं दिखा रही हूँ गोल्डन जो इसकी एजेज होते हैं, और एक देसी वैरायटी आती है। ये प्लांट जो है कटिंग से छोटी छोटी, इसके एक एक पत्ते को कई बार काट दीजिए उससे भी लग जाता है। इतना आसानी से डिवाइड होने वाला ये प्लांट है कि सबकी ये पसंद बढ़ती जा रही है आजकल। और लोग जो जिनको थोड़ी बहुत भी गार्डनिंग की जानकारी है दोस्तों, उसी में देखिए मैं आपको बर्ड नेस्ट वैरायटी दिखाती हूँ। आप अपनी ऑफिस की टेबल पर इसको लगा सकते हैं, अपने घर की जो है स्टडी टेबल पर लगा सकते हैं, सेंटर टेबल पर लगा सकते हैं। ये देखिए बहुत ही आसानी से चलने वाला है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिवाइड होते हैं। और डिवाइड होकर देखिए, पहले भी दिखाया था आपको एक प्लांट और इसी से साइड से दूसरा प्लांट निकला, तो अलग करके मैंने नया प्लांट बनाया। स्नेक प्लांट की जो वैरायटी आपको मिलती है, जरूरी नहीं बड़े बड़े वाली लगाएं, आप जो है इस की वैरायटी को भी अपने घरों में खूब लगाएं। जिनके घरों में जो है श्वास रोगी है, यानी कि लंग्स की प्रॉब्लम वाले लोग रहते हैं, उनको तो इसके प्लांट जरूर अपने घर में बहुत सारे लगाने चाहिए। कुछ खिड़की पर रख दीजिए, कुछ जो है अपने किचन के आसपास के एरिया में कि जहाँ पर विंडो है वहाँ पर रख दीजिए, तो ये आपको बहुत फायदा करेगा। कोई भी प्लांट नुकसान नहीं करेगा। स्नेक प्लांट की आजकल ये बर्ड नेस्ट वाली वैरायटी है, इसमें देसी वैरायटी भी आती है। ये देखिए तो ये साइड में गोल्डन में आते हैं, एक ये अलग है और एक साधारण, देखिए ये वैरायटी ये है, ये बिल्कुल नॉर्मल कॉमन वैरायटी साधारण वाली होती है हमारी।
दोस्तों, घर के अंदर पौधे चलाना बहुत कठिन होता है और वो पौधे हमारे घर की हवा को शुद्ध भी करें और सुंदरता को भी बढ़ाएं। तो इनमें जो आसानी से चलने वाले हैं वो हैं हमारे चाइनीज एवरग्रीन। चाइनीज एवरग्रीन के प्लांट दोस्तों हर तरह से हमारे लिए फायदेमंद हो जाते हैं क्योंकि इनकी कम केयर चलती है और घर के अंदर जहाँ धूप नहीं आ रही उस एरिया में आप इनको रख सकते हैं और बहुत सुंदर, देखिए आप कितने प्यारे लग रहे हैं। तो ये जो है नेचुरल रूप से हवा को शुद्ध करने वाले, इनको दोस्तों आप जरूरी नहीं जैसे मैंने बताया इसको पानी में भी लगा सकते हैं। ये देखिए ये पानी में चल रहे हैं मेरे चाइनीज एवरग्रीन कितनी सुंदर तरीके से, ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ये। तो जरूरी नहीं है कि आपके पास मिट्टी में बहुत ज्यादा जगह नहीं है तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। अभी स्नेक प्लांट दिखाया था मैंने आपको, देखिए स्नेक प्लांट भी पानी में चल रहा है हमारे पास। तो इस प्लांट को भी आप जो है बहुत सारे इनके प्लांट बना के जगह जगह पर इनके लगा सकते हैं। तो ये भी हमारे घर की जो हवा को शुद्ध रखेंगे, हमारी जो है बीमार पड़ने की क्षमता को थोड़ी सी घटाते हैं, ये चीजें इम्यूनिटी को हमारी बूस्ट करते हैं। घर को एक शाही लुक देने वाला, एक अच्छा सा एनवायरनमेंट पैदा करने वाले दोस्तों ये देखिए चाइनीज एवरग्रीन के भाई होते हैं, इनको कलरफुल होते हैं इसलिए इनको लिपस्टिक एग्लोनिमा कहते हैं। तो इनको जो है विंटर में थोड़ी परेशान रहते हैं, जब जो है बरसातें आती उन दिनों ये खुश रहते हैं। इन पर डायरेक्ट बारिश का पानी तो पसंद नहीं करते हैं, इनडायरेक्ट जो है इनको बारिश का पानी दिखता रहे मतलब मौसम में जो ह्यूमिडिटी बनी रहती तो ये पसंद करते हैं, पर सर्दियाँ इनको कम पसंद होती हैं और बहुत तेज गर्मी भी इनको कम पसंद होती है। तो पर वैसे जो है एक घर के अंदर एक शाही लुक देते हैं ये प्लांट। तो जिस किसी के घर में दोस्तों, एक तो ये प्लांट कई लोग लेके आते हैं नर्सरी से, उनके मर जाते हैं कई बार गलतियों से। तो इनकी विशेष इस समय आप रिपोर्टिंग या ज़्यादा फर्टिलाइजर देना इनको, और लिक्विड फर्टिलाइजर में जैसे सरसों की खली वगैरह गलती देने की ना करें। और वैसे ये प्लांट देखिए एक बहुत सुंदर लुक देंगे और वाइट पॉट पर अगर आपने लगाए हैं तो और भी सुंदर लगेंगे। तो इस प्लांट को भी आप लगा सकते हैं, एक बार लाएंगे केयर करते हैं तो सालों साल चलते हैं, अगर थोड़ी बहुत लापरवाही करेंगे तो ये प्लांट मर भी जाते हैं। तो इसको भी आप लगा सकते हैं। ये देखिए ये कहते हैं ऑक्सिकार्डियम, ऑक्सिकार्डियम ये हार्टली प्लांट भी कहते हैं। तो बहुत सुंदर, बहुत तेजी से नहीं बढ़ते हैं, ये फाइलोडेंड्रोम की वैरायटी होती है। जिस तरह से मनी प्लांट होता है वही इसकी केयर होती है और इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। तो ये जो है ये देखिए इनको आप इस तरह से बढ़ा भी सकते हैं और इस तरीके से कहीं पर लगा दीजिए, लटका भी सकते हैं। तो देखिए बुद्धा जी कितने सुंदर लग रहे हैं इस पर लगे हुए। तो इस तरह के प्लांट जो हैं अपने आप में एक यूनिक लुक दे रहे हैं, उसके अलावा सुंदरता को बढ़ा रहे हैं और घर की हवा को शुद्धता भी दे रहे हैं। तो हमारे लिए हर तरह से बहुत फायदेमंद है दोस्तों ये प्लांट। तो इनको जो है जैसे मनी प्लांट को आप कटिंग से लगाते हैं वैसे ही इनमें भी देखिए, अभी तो इनकी रूट्स कम डेवलप हो रही हैं, ये जो ऐसा हो गया इसी को आप जो है किसी की गमले में रख दीजिए, थोड़ी सी मिट्टी चढ़ा दीजिए, कुछ दिनों के बाद इनकी जो होती है वो रूट बहुत फैल जाती हैं। तो ये प्लांट बहुत आसानी से आपके साथ तैयार होते हैं दोस्तों। अगर आप नर्सरी में लेने जाते हैं ऑक्सिकार्डियम वगैरह के प्लांट जो है, फाइलोडेंड्रम के प्लांट, तो वहाँ ये थोड़े बहुत कॉस्टली मिलते हैं मनी प्लांट की अपेक्षा। दोस्तों आपको मैं अपना कैलिथिया दिखा रही हूँ, मैं कई जगह कैलिथिया के गौर कर चुकी हूँ। इस समय कैलिथिया एक घर की हवा को शुद्ध करने वाले प्लांट्स में से ही आते हैं, पर मैंने आपके मार्केट में देखे हैं कि लोगों की कैलिथिया बिल्कुल डल और ख़राब हो गए, और मेरे कैलिथिया देखिए आपकी खूबसूरती इसकी देखते ही बन रही है। इसका राज ये है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इस पर एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर मैंने नहीं दिया है, और जो है इसको आपने इनडोर में रखा है क्योंकि इस पर जो है मेरी डायरेक्ट सनलाइट भी नहीं पड़ रही है। रात के समय में जो इंडोर में प्लांट रखे हैं आपके, जितने भी हवा को शुद्ध करने वाले प्लांट वैसे प्लांट होते हैं, सभी के लिए आप जो है आर्टिफिशियल लाइट की व्यवस्था करें। रात के समय की मैं थोड़ी लाइट ज्यादा समय चालू रखती हूँ, सुबह भी जो आजकल सनलाइट बहुत लेट में आती है तो जो है रोशनी के लिए मैं यहाँ पर लाइट ऑन रखती हूँ, आर्टिफिशियल लाइट। नेक्स्ट खूबसूरत प्लांट दोस्तों इंग्लिश आईवी, जिसकी की ग्रोथ जो होती है मैदानी क्षेत्रों में इस समय होती है, देखने को मिलती है, और जो हमारे पहाड़ी एरिया होते हैं वहां पर ये गर्मियों में तेजी से ग्रोथ करती है। क्योंकि इस समय जो होता है पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है कि बहुत ज्यादा ठंड पड़ी होती है, पाला पड़ा होता है बिल्कुल, वहां पर जो होते हैं पौधे की आपको पत्ते भी कम कम दिखने, जिन लोगों की थोड़ी सी शेड वगैरह व्यवस्था होती है उनके चलते हैं, पर हमारे यहाँ मैदानी क्षेत्रों में इस समय अच्छी ग्रोथ होती है। देखिए आप इसका ग्रोथ का देखिए
पत्ते का साइज देखिए कितना सुंदर और कितना बड़ा आया है इस समय। इंग्लिश आईवी को अपने घर में लगाना थोड़ा टफ होता है ऐसे प्लांट लगाना, क्योंकि ये प्लांट जो होते हैं मॉइस्चर को बहुत पसंद करते हैं, तो इनको भी ये नेचुरल रूप से पहाड़ों में तो बिल्कुल बिना किसी केयर की इसमें पत्ते गिर जाएंगे और फरवरी का महीना आते ही सारे पत्ते फिर से आ जाते हैं। पर हमारे यहाँ इस समय इसकी अच्छी ग्रोथ चल रही है, ये भी मेरा इंडोर में रखा हुआ प्लांट है। इसके वेरिएशन को मेंटेन रखने के लिए दोस्तों कभी कभार जो है इसको धूप दिखा देनी चाहिए, तभी इसका वेरिएशन मेंटेन रहेगा और बहुत सुंदर प्लांट हमारे पास एक एक रहता है। इसके बात करते हैं दोस्तों हमारे सीधे सादे सिंगोनियम की, जिसको कि आप जैसे चाहें वैसे लगा दीजिए। इसको चाहें तो आप अपने सेंट्रल टेबल पर रख लीजिए, स्टडी टेबल पर रख दीजिए, कहीं पर भी रख दीजिए, पानी में लगा दीजिए, या फिर चाहें तो आप इसको मिट्टी में लगा दें, चाहें तो इसको बेल रूप में बढ़ा लीजिए, किस रूप में चाहते हैं। तो बहुत आसानी से चलने वाला इस पर मेरे पास भी जो है इसकी आजकल तो रेड कलर की वेरायटी बहुत सुंदर सुंदर, रेड में भी दो तीन वेरायटी आने लगी वो भी है, और ये हमारा देसी वेरायटी वाला जो मेरे बैकयार्ड में है, कभी मेरा ये खराब भी हो जाता है, मुझे ये अनुमान लगा कि इसको जो है बार बार ना डिस्टर्ब करने से एक बार लगा दिया तो उसके बाद जो है ये विंटर में बहुत अच्छा चल रहा है मेरा यहाँ पर। तो बहुत समय से देखिए छोटी सी पानी की मटकी है उसके ऊपर रख रखा है मैंने, और कितना आसानी से कितना सुंदर लग रहा है ये दोस्तों। इसको जो है जहाँ बाथरूम में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है वहाँ पर भी इसको लगाया जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि एक्स्ट्रा मॉइस्चर को ये बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो ये जो है एक नेचुरल एयर प्यूरीफाइंग प्लांट, बहुत सुंदर प्लांट, इसको भी लगाना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों एयर प्यूरीफाइंग प्लांट के तौर पर आजकल एरिका पाम बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो आपने किसी भी होटल में देखा होगा, कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं वहाँ पर भी आपको जरूर इसके कुछ ना कुछ प्लांट देखने को मिलते हैं। तो इस प्लांट की बहुत मांग भी होती है दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि आप बड़े बड़े वाले, इसकी आजकल ऐसी वेरायटी आने टेबल पाम भी कहते हैं तो उनको भी ला सकते हैं। तो ये भी हवा को नेचुरल रूप से शुद्ध करने वाले अच्छे प्लांट में माना जाता है दोस्तों। इसके बाद हैं फर्न, जो कि हमारे घरों से निकलने वाली ख़राब गैसेस वगैरह जो होती हैं, जो हमारे फ्रिज वगैरह से निकलती हैं, जो हमारे कई चीज़ें जो कंप्यूटर वगैरह जो आज भी जो भी एक्स्ट्रा ऐसी जो कि हम चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट हो रहे हैं, उन साइड इफेक्ट को कुछ ना कुछ तो ये पौधे हमारे कम करते हैं। मैं मानती हूँ कि बहुत इससे लगाने से आपके घर में खूबसूरती के साथ साथ एक पॉजिटिविटी, और लोग कम बीमार पड़ते हैं तो अपने आप में खुशहाली का माहौल आता है, खुशहाली लाने वाले पौधे हैं। देखिए कितने सारे फर्न के प्लांट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, तरह तरह की वैरायटी के, और सब बहुत हेल्दी हैं, सस्ते होते हैं, क्योंकि एक बार लाने हैं खुद डिवाइड होकर ढेरों बनते हैं, तो फर्न के प्लांट को भी जरूर लगाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों ये कॉमन प्लांट सभी जानते हैं, ये है हमारे रबर प्लांट। दोस्तों अभी रबर प्लांट थोड़े शांत होते हैं, इनकी अच्छी ग्रोथ नहीं होती है इस समय, पर ये प्लांट भी घर की हवा को शुद्ध करने वाले अच्छे प्लांट हैं माने जाते हैं। तो इनकी बहुत सारी वैरायटी दोस्तों नर्सरी में लेना, मेरे देखिए डस्ट पड़ी हुई है, ये बाहर रखे हुए हैं, ये घर आंगन में कहीं पर भी, क्योंकि ये प्लांट जो है थोड़े बड़े पॉट में होते हैं, छोटे पॉट में नहीं होने चाहिए, क्योंकि तेजी से बढ़ने वाले प्लांट हैं और ये कटिंग से भी तैयार हैं दोस्तों, एक पत्ते से भी तैयार होने वाले प्लांट हैं, ये प्लांट को आप एक पत्तों से भी तैयार कर सकते हैं, तो इनको भी हम लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों घर के अंदर खूबसूरती के साथ साथ फूल खिलाने वाला प्लांट पीस लिली का प्लांट, और उसमें भी वेरीगेटेड वेरायटी अगर आपको मिल जाती है जरूर ले लीजिएगा कभी भी। तो ये प्लांट जो है मेरे पास जो है इसकी देसी वेरायटी जो बिना वेरीगेशन के है। दोस्तों आपने वेरीगेटेड प्लांट ले रखा है तो कुछ केयर विशेष ध्यान रखिएगा, उसको जो है बिल्कुल शेड में मत रखिएगा, इनडोर से कभी कभी बाहर निकालिएगा, नहीं तो उसका वेरीगेशन खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब देखिए इस पत्ते में बहुत अच्छा वेरीगेशन है और इस पत्ते का वेरीगेशन खत्म होने लग गया है, तो इनको सनलाइट थोड़ी बहुत बहुत जरूरी पड़ती है। तो ये जो है एक बहुत अच्छा नेचुरल एयर प्यूरीफाइंग प्लांट माना जाता है, तो इसको भी हम लगा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा आपको। अगर इन प्लांट को आप अपने घर के आंगन के बालकनी के छत के जहाँ पर भी आपके पास स्पेस है आपके इंडोर में आउटडोर में लगाएंगे तो आप लोग निश्चित रूप से कम बीमार पड़ेंगे, आपके आसपास के लोगों को भी जो है ताज़ी हवा मिलेगी। तो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, फिर मिलते किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।